सूरत पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे धनवान शहर में से एक शहर था और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। सूरत से माल जाता था और सोना आता था, क्योंकि पहले के ज़माने में लेन देन के लिए जो करेंसी थी, मुद्रा थी, वो सोना थी। माना जाता है कि सूरत की स्थापना एक गोपी नामक ब्राह्मण ने की थी। उस गोपी ब्राह्मण को गोपी मालिक भी बुलाया जाता था। उन्होंने सन 1510 में एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है गोपी तालाब। गोपी तालाब के आसपास के इलाके को सूर्यपुरम या सूरजपुर कहा जाता था। उनकी याद में गोपीपुरा नामक एक विस्तार भी है सूरत में, वो आज भी मौजूद है। सूरत के नाम से जुड़ी एक दूसरी धारणा है जिनमें गुजरात के सुल्तान ने कुछ ज्योतिषों को सूरत का नाम सोचने को कहा और उन ज्योतिषों ने सूरत का नाम सूर्यपुरम या सूरजपुर दो नामों का सुझाव दिया। लेकिन उन दोनों नामों में हिंदू धर्म की झांकी होने के कारण गुजरात के सुल्तान ने दोनों नामों को नकार दिया और उन्होंने खुद एक नाम रखा, सूरत। सुन्नत कुरान के अध्याय का शीर्षक, कुरान के अध्याय का शीर्षक को सुन्नत कहते हैं और उस आधार पर सूरत का नाम सूरत रखा। सूरत शहर दक्षिण पूर्व भारत, पश्चिम मध्य गुजरात में खंभात की खाड़ी, जिसे हम कैम्बे कहते हैं, तो खंभात की खाड़ी में तापी नदी के मुहाने पर स्थापित है सूरत शहर। सूरत को मुगलों ने लूटा, डच पोर्टुगीज ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, शिवाजी महाराज ने एक बार नहीं दो बार लूटा। शिवाजी महाराज के लिए लूट शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर आक्रमण किया था तब किसी भी लाचार को नुकसान नहीं पहुंचाया था, किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया था और जिन्होंने शिवाजी की मदद की थी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो शिवाजी महाराज एक दयालु और एक शूरवीर राजा थे। सूरत को अगर कोई लूटेगा तो क्यों लूटेगा, क्योंकि सूरत के पास इतना धन था। बार बार विदेशी आक्रमण के कारण, बार बार बर्बाद होने के बावजूद भी सूरत अपने पैरों पर खड़ा रहा। सूरत का महत्व इतना था कि एक पोर्टुगीजी प्रवासी ने अपनी डायरी में सूरत को भारत का बंदरगाह, द पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया। सूरत का बंदरगाह मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्व रखता था, क्योंकि हज के लिए मक्का मुस्लिम धर्म के लोग सूरत से ही जाते थे। भारत के अड़ोस पड़ोस के देश के मुसलमान सूरत से ही हज के लिए जाते थे और उन्होंने सूरत के बंदरगाह को एक नाम दिया था, द ब्लेस्ड पोर्ट, पवित्र बंदरगाह। वैसे तो सूरत के बंदरगाह से काफ़ी चीज़ों का निर्यात होता था, लेकिन उसमें कपड़ा और मसाला सबसे अव्वल था। कपड़ा जाता था सोना आता था, मसाला जाता था सोना आता था। सूरत के व्यापारी जितने वजन का कपड़ा उतने ही वजन का सोना मांगते थे, क्योंकि सूरत के कपड़े की मांग विदेश में इतनी थी। जब भी कोई विदेशी या कोई प्रवासी सूरत आता था और व्यापारी को पूछता था सूरत के कि आपके पास कितना धन है, कितने सोने के सिक्के हैं, तो सूरत का व्यापारी बताता था कभी गिना ही नहीं, क्योंकि सूरत के व्यापारी धन को, सिक्के को बोरी में बांध के रखते थे, तोल के रखते थे। सूरत में इतना धन होने के बावजूद भी सुरक्षा की दृष्टि से सूरत में कुछ खास नहीं था। कुछ 200-300 मुगल सैनिक ही तैनात थे। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि सूरत की प्रजा बहुत ही शांतिप्रिय प्रजा थी। सूरत की प्रजा का सिर्फ कुछ खास लक्ष्य थे, व्यापार और समृद्धि। बार बार विदेशियों के आक्रमण के कारण अहमदाबाद के सुल्तान ने सूरत में एक किला बनवाया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि वो भी कुछ खास नहीं था। सूरत इतना धनवान होने के बावजूद भी सूरत की सुएज प्रणाली कुछ खास नहीं थी। खराब गंदे पानी के निकाल के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। कुछ इन्हीं कारणों से सूरत का पतन होना शुरू हुआ। उसमें कुछ मुख्य कारण थे, मुगलों का पतन, रेड सिविल वॉर, यमन की वॉर, एशिया में सिविल वॉर, शिवाजी महाराज का आक्रमण और अंग्रेजों को पोर्टुगीज काफ़ी दिक्कत दे रहे थे समंदर में व्यापार करने में, कौमी दंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं और महामारी, इन्हीं कारणों से सूरत का पतन हुआ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।